नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। जिनको मैच खेलना है वो खेले, लेकिन यहां पर असल मैच हुआ है। पाकिस्तान का चौका चक्रव्यूह बताने का वक्त है आपके लिए, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। आप देखिए कैसे पाकिस्तान को भारतीय सेना, भारत सरकार, NIA और खुद पाकिस्तानी आतंकियों ने घेर दिया है, जिसे हम आस्तीन का सांप कहते हैं। ये चौका चक्रव्यूह है जिसमें हम क्रिकेट ग्राउंड तो दिखा रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो पाकिस्तान सरहद पर युद्ध का माहौल बना रहा हो, उससे ग्राउंड में हाथ मिलाना कतई जायज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को मौका मिल गया है, या ये कहिए क्रिकेट की लैंग्वेज में मौका मिल गया है। इस बार पाकिस्तान मौका बम से मारा जाएगा। शहीदों के सम्मान में बोला हिंदुस्तान, मेरी ऐसी गुजारिश है कि युद्ध होना चाहिए, मैच नहीं, कि ये अंत होना चाहिए, पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। अब मौका बम से मरेगा पाकिस्तान। मैं यही कहना चाहूंगा कि फौजी जवान के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म होता है। आतंक के खेल में पाकिस्तान हिट विकेट। पाकिस्तान ने तकरीबन 5000 अकाउंट्स जो हैं, जो टेररिस्ट हैं उसके मुल्क में, उनके अकाउंट सीज किए हुए हैं, और ये अमाउंट जो बनता है सीज किए हुए तकरीबन $3 मिलियन के करीब आता है। चौका नहीं, चैलेंज से हारेगा पाकिस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद आपको जानकर यह खुशी होगी कि पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहता है, वो इन्फिल्ट्रेशन के मामलों में भी 6 महीनों में पिछले वर्ष के 6 महीनों की तुलना में 45% की कमी दर्ज की गई। बॉर्डर से मैदान तक घिर गया पाकिस्तान। हिंदुस्तान से टकराकर पाकिस्तान गिन रहा है आखिरी सांसें, क्योंकि चौका चक्रव्यूह में फंस गया पाकिस्तान। और इंडिया की ये जो गेंद है, ये सीधी बाउंड्री के बाहर पहुंची है। बाउंड्री चाहे वो यहां सरहद वाली हो या एकदम लगती दूसरी सरहद हो, पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। आप देख रहे हैं यहां पर भारत एक के बाद एक पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि बता अब कैसे ना हो तेरा हिट विकेट। जो पाकिस्तान खेल के मैदान में हिंदुस्तान से हाथ मिला रहा है, वही पाकिस्तान बॉर्डर पर दुश्मनी निभा रहा है। लेकिन वो भूल रहा है कि हिंदुस्तान उसे हर मैदान पर मारता है। फिर चाहे वो खेल का मैदान हो या मैदान जंग। मैं यही कहना चाहूंगा कि फौजी जवान के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म होता है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी जवान
जिसको इस तरह की शहादत मिलती है उसको इज्जत से हमें देखना चाहिए। और देश के जवानों को अपना यह कर्म याद है, इसीलिए जंग के मैदान से लेकर खेल के मैदान तक हिंदुस्तान की एक ही मांग है, पाकिस्तान पर हमला। हमें खेलना नहीं चाहिए, मैं एकदम सहमत हूं कि हमें उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। आर्मी फोर्सेस पे ये अटैक करते हैं, पहले इनको रोका जाए, बाद में इनके साथ मैच खेले जाए। शनिवार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हिजबुल के आतंकी हमले में हमारे दो जवान शहीद हो गए। इस हमले ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान से दोस्ती का खेल नहीं, दुश्मनी वाली जंग ही जायज है। I have got the information that these raids they have been conducted on at funding places, and the central government has given clear message to the people at large who are at fault that this government is not to going to compromise on such issues. Will strictly deal with it. They must look to the reasons, otherwise old days are gone, and now they have to be on the right path. If they do any fault, they shall be taken to task. Pakistan, yaad kar le, Hindustan jhoote video nahi dikhata, khud hi apni peeth nahi thapthapata, aatankiyon ke piche chhipkar war nahi karta. हिंदुस्तान दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जिसका खौफ पाकिस्तान के चेहरे पर हरदम दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक जगह से नहीं, चारों तरफ से घेर रहे हैं पाकिस्तान को। सेना के बाद एनआईए पाकिस्तान पर शिकंजा कस रही है। हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान के दलालों का खुलासा एनआईए कर रही है। आज भी छापेमारी हुई है, इसलिए आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई और कई वो नाम सामने आए जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के पैसों से आतंक को पैदा कर रहे हैं। एक, दो और तीन, तीन कारों की तफ्तीश फिलहाल इस फ्लैट के नीचे की जा चुकी है। आप देख सकते हैं एनआईए के ऑफिशियल्स वापस S-436 GK2 के एड्रेस में जाते हुए। जो आतंकियों को फंडिंग होती है उसे लेकर लगातार देश भर में छापेमारी चल रही है, और उसी के चलते यहां पर जो खारी बावली का इलाका है, यहां पर सुबह से ही एनआईए की छापेमारी चल रही है। हिंदुस्तान में मौजूद पाकिस्तान के दलालों के दुर्दिन चालू, क्योंकि टेरर फंडिंग यानी आतंक फैलाने के लिए पैसे की सप्लाई पर रोक के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी कार्रवाई अभी जारी है। हवाला फंडिंग मामले में अलगाववादी नेताओं के यहां आज दूसरे दिन भी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड की है। आज श्रीनगर में चार और जम्मू में एक जगह छापेमारी हुई है। आज एनआईए ने हुर्रियत के प्रवक्ता अयाज अकबर के घर छापा मारा। अयाज अकबर को हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का करीबी माना जाता है। एनआईए के निशाने पर हुर्रियत नेता जावेद गाजी बाबा भी हैं। गाजी बाबा को भी गिलानी का करीबी माना जाता है। जिन पांच जगहों पर छापेमारी हुई, इनमें से जम्मू में एक जगह पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई की करेंसी मिली। अब सवाल ये है कि हुर्रियत नेताओं के घर पर पाकिस्तान की करेंसी कहां से आई? क्या इस करेंसी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा था? पाकिस्तान की करेंसी कहां से आई? क्या इस करेंसी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा था? एनआईए की रेड में एजेंसी को बड़ी मात्रा में कैश, दस्तावेज और कई संवेदनशील मटेरियल मिले हैं। I need to respond to that because the concerned agencies would respond, but at the same time I would say that there is no compromise as far as safeguarding the country's security is concerned. And as far as the professional approach of the security agencies as well as the military and paramilitary forces is concerned. इससे पहले कल दिल्ली, हरियाणा और श्रीनगर में एनआईए ने 22 ठिकानों पर छापेमारी की और आतंकियों के मास्टरमाइंड तक पैसा पहुंचाने वाले हवाला कारोबारियों पर दबिश दी।
और कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। सुरक्षा एजेंसियां पुख्ता तौर से कड़ाई के साथ ऐसी तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ एक्शन कर रही हैं और निश्चित तौर से ऐसी कोई भी ताकत बचेगी नहीं जो देश के खिलाफ और देश के अमन और चैन के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र और साजिश को कर रही होगी। यानी हिंदुस्तान में दहशत और आतंक का कारोबार करने वाले लोग हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जो एनआईए के रडार पर हैं। नईम खान, हुर्रियत नेता। फारूक अहमद डार, हुर्रियत नेता। जावेद गाजी बाबा, हुर्रियत नेता। अल्ताफ फंटूश, सैयद अली शाह गिलानी का दामाद। जहूर वटाली, कारोबारी। इसी तरह मुश्ताक चाय। आशिक हुसैन, जहूर सुल्तान भी कारोबारी है। तो ये बहुत ही अच्छा है, हिसाब किताब रहा है कि वहाँ पे छापा मारा गया है, 2.5 करोड़ मिला है, जो और भी इंक्रिमिनेटिंग है कि लश्कर तौयबा का लेटरहेड मिला है एंड ऑफ कोर्स प्रूफ्स मिले हैं कि हवाला के थ्रू भी पैसे आए हुए। मेरे ख्याल में और ऐसा रेड्स होगा तब जाके पता चलेगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, करोड़ों में पैसे जो है कश्मीर में पाकिस्तान भेज रही है। लेकिन ये कार्रवाई साबित कर रही है कि पाकिस्तान जिस पिच से आतंक का खेल खेल रहा है वो हर बॉल पर बोल्ड हो रहा है, क्योंकि भारतीय सेना उसे हर मोर्चे पर घेर चुकी है और एनआईए उसके आतंकी नेटवर्क को तबाह कर रही है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तीसरा दुश्मन पता है आपको कौन है? खुद पाकिस्तान के आतंकी, क्योंकि इन आतंकियों ने अपने करतूतों से पाकिस्तान को भुखमरी के हालात में ढकेल दिया है। इन्हीं की वजह से कल तक जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े थे आज वो किनारे हो रहे हैं। जिस आतंक को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया वही आतंक अब पाकिस्तान की तबाही की वजह बनता जा रहा है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2016 तक पाकिस्तान को $118 अरब का नुकसान हुआ है। जब पाकिस्तान ने आतंक से अपना ही नुकसान कर लिया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को आतंकी देश मानकर दुत्कार दिया, तब पाकिस्तान ने दिखावे की एक कार्रवाई की और आतंकवादियों के बैंक खातों पर एक्शन लेते हुए एक दिन में 5,000 संदिग्ध बैंक खाते बंद कर दिए। इन बैंक खातों में आतंकियों के करीब 19 करोड़ रुपए जमा थे। हम इसे दिखावा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों के खाते तो बंद कर दिए लेकिन आतंकियों को खुला छोड़ दिया। ये इस तरह के बराबर पहले भी ये लोग कर चुके हैं, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ये फ्रीज कर देते हैं, फिर नए नाम से नए अकाउंट्स खुल जाते हैं और गतिविधियां चलती हैं। इंटरनेशनल टेररिस्ट जो हैं आतंकवादी, हाफिज सईद या मसूद अजहर, ये लोग ओपनली घूम रहे हैं वहाँ पर, इनको पुलिस प्रोटेक्शन मौजूद है, कैंप्स मिलिटेंट के वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। नहीं समझता, ये दिखाने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आतंकियों का हमदर्द पाकिस्तान उन पर लगाम लगाने की बात कैसे कर सकता है? हम आपको इसकी वजह बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली राशि में $10 करोड़ की कटौती करने का मन बना लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि अगर पाकिस्तान आतंक पर पैसे खर्च कर रहा है तो फिर उसकी मदद क्यों की जाए? पाकिस्तान ने तकरीबन 5,000 अकाउंट्स जो हैं, जो टेररिस्ट हैं उसके मुल्क में, उनके अकाउंट सीज़ किए हुए हैं और ये अमाउंट जो बनता है सीज़ किए हुए तकरीबन $3 मिलियन के करीब आता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के वॉचडॉग जो हैं इसके ऊपर लगातार निगाह बनाए रखे हैं कि ये किस तरह से पाकिस्तान जो है इनको, जो अकाउंट को जो है इन्होंने फ्रीज़ किया है, इसको किस तरह से आगे इसको रखेंगे, कंट्रोल करेंगे और फंड्स विड्रॉ नहीं होने देंगे। ट्रंप ने अब पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी है कि जब तक पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकियों पर एक्शन नहीं होता तब तक
अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान के आतंकी उसी की बर्बादी का विषय बन गए। And most recent reports are suggesting that Pakistan has frozen as many as 5,000 accounts. What will be interesting is to see if in these 5,000 accounts, the kind of groups that have been targeting India, whether it is the Lashkar-e-Taiba, the Jaish-e-Mohammed, or individuals like Hafiz Saeed, are part of these 5,000 individuals who have been identified by the Pakistani government. साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान जिस चौका चक्रव्यूह में घिरा है, उसमें से एक महारथी या आतंकी भी हैं, जो अब पाकिस्तान के लिए आत्मघाती बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खेल के नहीं, असल मैदान में पाकिस्तान को पस्त करने में जो सबसे अहम प्लेयर है वो है भारत, अभिमन्यु। इसलिए देश की जनता ये मांग कर रही है कि जिस देश से हमें क्रिकेट खेलना मंजूर नहीं, उसे भारत सरकार दुश्मन दोस्त का दर्जा जल्द दे। पिटे पाकिस्तान का एक और झूठ, पाकिस्तान का एक और झूठ, भारतीय बंकर पर हमले का झूठा वीडियो, खेल के मैदान से जंग के मैदान तक झूठा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दावा किया है कि सेना ने एलओसी पर बिना उकसावे के हुई फायरिंग में 5 भारतीय जवानों को मार गिराया है। इसका सबूत देते हुए पाकिस्तान ने आज एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बंकरों को उड़ाने का दावा किया है। ये वीडियो सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में कुछ बंकर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस वीडियो को पहले की तरह ही झूठा बताया है, इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ऐसे झूठे पाकिस्तान का हर मोर्चे पर बॉयकॉट करो। पाकिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री के साथ खेलो, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आह्वान करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि वो इस मैच को रद्द करवाएं। किसी भी मैच को या किसी भी प्रकार के संबंध को बढ़ावा ना देते हुए इस मैच को रद्द करना चाहिए। ये झूठे वीडियो दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई से तो वो कोई भी खेल जीत नहीं पाएगा, इसीलिए झूठ का खेल खेल रहा है। पर मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का खिलाफत करता हूँ कि जो देश प्रतिदिन हमारे साथ विश्वासघात कर रहा हो, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। एक तरफ पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हर चाल कमजोर पड़ रही है। सूरत में एटीएस ने पाकिस्तान की एक ऐसी ही चाल को बेनकाब किया है। एटीएस ने सूरत में संदिग्ध शख्स को पकड़ा है। आशंका है कि इस व्यक्ति के तार आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। खुलासा हुआ है कि वो पिछले दिनों मुंबई से गिरफ्तार हुए 2 आईएसआई एजेंट जावेद नवीवाला और अल्ताफ कुरैशी से संपर्क में था। यानी पाकिस्तान हर मोर्चे पर पकड़ा जा रहा है। इन सब के बाद भी पाकिस्तान को पीटने की बहुत कोशिशें बाकी हैं, और ये कोशिश सरकार को करनी होगी। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का विरोध कर रही जनता ये भी चाहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ राजनयिक मुहिम चले, पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द हो, पाकिस्तान का MFN का दर्जा वापस लिया जाए और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। यही वो चौका चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान घिर गया है, और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की हार पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलते चलते ये भी जान लीजिए, इंग्लैंड के बर्मिंघम में ISI के एजेंट्स ने कश्मीर को लेकर प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल JioTV के संपादक हामिद मीर ने शेयर किया। पाकिस्तान के साथ किसी भी संबंध का हम इसीलिए तो विरोध कर रहे थे, फिर चाहे वो सियासी रिश्ता हो, राजनयिक रिश्ता हो या फिर खेल का रिश्ता हो। हमें पता था, हमें इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान खेल और राजनीति को अलग रख ही नहीं सकता है, और इसीलिए हमने भारत पाक मैच ना दिखाने का फैसला किया था। ये तस्वीरें उन लोगों को जवाब है जो हमारे फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे फैसले को एक बार फिर से सही साबित करती है, क्योंकि यही पाकिस्तान का असली चेहरा है।